हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से एक महीने पहले मैंने आपके साथ अपने परमानेंट प्लांट्स की कटिंग की वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने अपने प्लांट को हार्ड प्रून किया था। उसके 15 दिन बाद मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने उनकी अपडेट दिखाई थी, और आज एक महीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हार्ड प्रूनिंग के बाद मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी फास्ट हुई है और कितनी ब्यूटीफुली वो चल रहे हैं। कुछ प्लांट्स में मेरे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो चलिए देख लेते हैं कैसी है मेरे प्लांट्स की ग्रोथ। सबसे पहले है ये मेरे बहुत ही ब्यूटीफुल से और मोस्ट फेवरेट प्लांट, ये है पांडा फाइकस। एक ही रो में मैंने लगाए हैं सारे प्लांट्स, ये देखिए। और हार्ड प्रूनिंग के बाद इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल इनमें ग्रोथ हुई है। सारे ही प्लांट्स मैंने एक लाइन से लगा दिए हैं, ये देखिए, और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, किसी फूल से कम नहीं है ये फ्रेंड्स। और इसके बाद है मेरा अगला प्लांट, ये है टिकोमा का प्लांट। इसको मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून किया था, इसके ऊपर एक भी लीफ मैंने नहीं छोड़ी थी। और ये देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल, कितना बुशी और एक टोपियारी जैसा लग रहा है। एक पोर्शन इसका यहाँ पे है लीव्स का, एक यहाँ है और एक ऊपर है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स ये। फिर इसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये स्पेंट हो गए हैं फ्लावर्स में, वीडियो नहीं बना पाई। और इसके बाद ये देखिए आप, सारे में ही इसमें कलियां बनना हो गई हैं स्टार्ट, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, सॉरी चींटियां थी इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है फ्रेंड्स इसका। अगला प्लांट दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इसको भी मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून किया था। आप पिछली वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि कितनी अच्छे तरीके से हार्ड प्रून किया था मैंने अपने प्लांट को। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। और इसमें फ्लावरिंग हो गई है स्टार्ट और काफ़ी कलियाँ भी बनने लगी हैं फ्रेंड। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि आपको साल भर फ्लावरिंग देता है, बस बहुत ज़्यादा हार्श विंटर जो होती है उसे छोड़ के, और बिल्कुल कम केयर में चलने वाला प्लांट है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको अपना, ये देखिए, ये है मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट। मेरे पास 3-4 प्लांट्स है कड़ी पत्ता के, सभी की हार्ड प्रूनिंग मैंने की थी और उसके बाद इनमें जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ रॉकेट की स्पीड से हुई है तो ये गलत नहीं होगा, सच्ची में रॉकेट की स्पीड से हुई है। और बहुत सारे पॉलिनेटर्स इस पे आ रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल से पॉलिनेटर्स भी आ रहे हैं, और हमारे गार्डन के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, सीड्स बनने में हेल्प करते हैं पॉलिनेटर। ये देखिए अभी यहीं पे मंडरा रहे हैं, और ऑर्गेनिक गार्डन की यही निशानी होती है फ्रेंड्स कि हमारे गार्डन में बहुत सारे कीट पतंगे आते हैं जो गार्डनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ये है मेरा दूसरा प्लांट कड़ी पत्ता का, और ये देखिए, और फ्रेंड्स इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि पूरे गार्डन में, पूरे घर में खुशबू फैल गई है, किसी फूल की ज़रूरत नहीं है जब इतने सुंदर हमारे पास प्लांट हों। ये देखिए, चलिए अगला दिखाती हूँ, ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून किया था, और अब देखिए इसकी ग्रोथ कितना ब्यूटीफुल, कितना बुशी, ये देखिए फ्रेंड्स। अभी आप इन्हें अपने प्लांट पर रहने दें फूलों को, और उसके बाद जब इसमें सीड बनने स्टार्ट हो जाए तब आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू इनमें आती है कि मन नहीं करता इनको निकालने का। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बुशी बनाना है प्लांट को तो आप फ्रेंड्स रेनी सीजन में एक बार फिर से प्रूनिंग कर दें थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से, लेकिन अभी मैं इन्हें फिलहाल रहने दूंगी। अगर आप चाहते हैं इन्हें हटाना तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी माने तो ना ही हटाएं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ, ये है मेरा हाइबिस्कस का प्लांट। इसकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग की थी मैंने, वीडियो भी शेयर की थी सेपरेट एक, और अब देखिए इसमें, ये देखिए कलियां बनना हो गई हैं स्टार्ट, ये देखिए, और देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, 3-3 कलियां एक ब्रांच पे निकली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ मेरे प्लांट्स की चल रही है, और एक ही बार मैंने अभी तक फर्टिलाइज किया है, इसके बाद इनको फर्टिलाइजर मैंने नहीं दिया है। ये भी था एक और मेरा हाइबिस्कस का प्लांट, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और ये है मेरा सदाबहार का प्लांट, इसको फ्रेंड मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून कर दिया था। चलिए मैं दिखाती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख लें, उसमें आपको
बिल्कुल हार्ट प्रून कर दिया था मैंने इसको फ्रेंड, और इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा वीडियोस में, मैं अपने पॉट्स को किचन वेस्ट से भरती हूँ, और इसी तरीके से जब मैंने किचन वेस्ट से भरा तो उसमें टमाटर के कुछ सीड्स रह गए होंगे, और उसमें से निकला है एक प्लांट, और देखिए खुद से ही अपना निकला हुआ प्लांट, उसमें फ्रूटिंग देखिए, अब कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं इसमें, बहुत सारे इसमें फ्लावर्स भी आए हुए हैं, और मैंने इसमें अभी तक कोई भी खाद नहीं डाला है फ्रेंड्स। हाँ लिक्विड कंपोस्ट कभी कभी डाला है, लेकिन ये जो पूरा पॉट है मेरा ये सिर्फ किचन वेस्ट से भरा हुआ था और खुद से ही निकल गए टमाटर के प्लांट, मैंने केयर नहीं की इनकी बिल्कुल भी, और इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ कि इनकी ब्यूटीफुल फ्लावरिंग कई महीने तक ये ऐसे ही फ्लावरिंग अब चलती रहेगी। और ये एक ऐसा प्लांट है जो साल भर पूरा फ्लावरिंग देता है, हाँ इसके गर्मी में थोड़े फ्लावर्स के रंग फीके पड़ जाएंगे, लेकिन प्लांट जो है आपका फूलों से भरा रहेगा ऐसे ही। लास्ट ईयर भी मैंने कुछ वीडियो शेयर की थी इसकी, जिसमें पूरे साल ही इसमें फ्लावरिंग देखने को मिली थी, और कुछ मैंने यहाँ पे कटिंग्स लगाई थी, और कटिंग्स में हो गई है ग्रोथ स्टार्ट, ये देखिए यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर, और ये एक जेट्रोपा की कटिंग लगाई थी वो भी हो गई है मेरी सक्सेसफुल। कटिंग्स तो मेरी बहुत सारी थी लेकिन मैंने सारी नहीं लगाई थी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 10-12 प्लांट रेडी हो गए थे चंपा के, तो इस बार मैंने सिर्फ नाग चंपा की कटिंग्स लगाई हैं। ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और देखिए आगे जाके अगर अच्छे से ग्रोथ होती है तो मैंने ट्रांसप्लांट करके फिर नए पॉट्स रेडी कर लूंगी। ये देखिए बोगनवेलिया बिल्कुल हार्ड प्रून किया था, इसकी भी वीडियो मैंने शेयर की थी, और फ्लावरिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, शायद बनना स्टार्ट हुए हैं फ्लावर्स अभी थोड़े थोड़े, और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ग्रोथ चल रही है। यही फायदा होता है फ्रेंड्स सही टाइम पे सही काम करने का। तो चलिए आपको मैं चंपा के प्लांट दिखाती हूँ। इस वाले चंपा को मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून किया था, एक भी लीफ इसके ऊपर मैंने नहीं छोड़ी थी, और अब देखिए आप इसमें कि इसमें एक की जगह तीन तीन डालियां यहाँ से निकलेंगी अब, और ये देखिए ग्रोथ बहुत तेज है फ्रेंड्स, ये देखिए सभी में तीन तीन डालियां निकलेंगी। तो मेरा प्लांट छोटी शेप का, सॉरी छोटे साइज का, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा बनने वाला है, इसकी हर साल मैं हार्ड प्रूनिंग करती रहती हूँ। और नाग चंपा दिखाऊंगी मैं आपको जिसमें ग्रोथ कैसी है, उससे पहले मैं नीम का प्लांट दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए बहुत बड़ा हो गया था, मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून किया था, और छोटा सा बुशी सा प्लांट बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। फिर है मेरा ये हाइबिस्कस, ये देखिए हाइबिस्कस में इतनी फ्लावरिंग हो रही है इसमें इस बार, ये देखिए जबरदस्त एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग इसमें मुझे मिली है। मैंने इसको हार्ड प्रून नहीं किया था इस बार, और मैंने सोचा था कि मैं इसे बरसात में करूंगी तो अच्छा ही हुआ मैंने नहीं किया। इसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, फ्लावर का साइज देखिए आप मेरे हाथ के जितना है इसका साइज, और कुछ मेरे जो है विंटर के फ्लावरिंग प्लांट जो अब बिल्कुल बाय कहने वाले हैं, इनके सीड्स कलेक्ट कर लूंगी मैं, जैसे ये है देखिए, और एलाइसम की फ्लावरिंग तो हो रही है फ्रेंड्स, लेकिन अब इनकी रौनक जा चुकी है तो इनको भी मैं किसी दिन रिमूव करूंगी और सीड्स जो हैं वो कर लूंगी कलेक्ट। ये है छोटा सा कॉर्नर, पेंसी ने इस बार मुझे बहुत खुश किया है फ्रेंड्स, ये देखिए 30-30 रुपीज़ के दो प्लांट लेके आई थी मैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग इन्होंने की है, एक ब्यूटीफुल सा कॉर्नर मैंने क्रिएट किया है। तो चलिए दूसरे प्लांट दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये है मेरा नाग चंपा का प्लांट, और ये देखिए आप इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है स्टार्ट, और काफ़ी लंबा था तो मुझे इतने लंबे प्लांट्स पसंद नहीं है, मैंने हार्ड प्रून किया था आप देख रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये है जेट्रोफा, इसको भी मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून किया था, और इसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है, ये देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद जो मेरे ये हैं लालसा के प्लांट फ्रेंड्स, ये बालकनी की तरफ है तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो बिल्कुल मिट्टी से आपको सने हुए दिख रहे हैं मेरे पौधे। और ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी रेंथमम की, कितना ब्यूटीफुल से ये चल रहे हैं। फिर है यहाँ पर ये रतन ज्योत का प्लांट, हार्ड प्रून किया था, ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है इसमें, ये देखिए, और इसको भी मैंने हार्ड प्रून कर दिया था पेंसिल कैक्टस को, और अब इसमें हो गई है ग्रोथ स्टार्ट, इसको मैंने काफ़ी दिनों बाद किया था हार्ड प्रून, पर ग्रोथ अच्छी चल गई है इसमें।
इसको भी मैंने किया था हार्ड प्रून, आप देखिए काफी बुशी सा लुक हो गया है। जहां से मैंने कट किया था दो दो ब्रांचेज इसमें निकली हैं, ये देखिए यहाँ पर हैं वो कटिंग्स जो मैंने ग्रो की थी। कुछ कटिंग्स मैंने ट्रांसप्लांट कर ली हैं और कुछ यहाँ पे अभी लगी हुई हैं। देखिए पूरी मिट्टी में लदा लद है ये बिल्कुल से ही, यहाँ पे बहुत मिट्टी आती है मेरे बालकनी में। ये मेरे लास्ट ईयर के चंपा की कटिंग्स जो मैंने लगाई थी, एक ये है, दो यहाँ पर है, तीन ये है, चार, और एक एक प्लांट में दो दो लगी और एक है ये। सॉरी फ्रेंड्स, बालकनी की तरफ बहुत ज़्यादा शोर था तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और ये थी मेरे आज की जो है एक महीने पहले जो मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी उनकी अपडेट वीडियो। तो कैसे लगी आपको मेरे प्लांट्स की ग्रोथ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आगे भी आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हम दोबारा भी मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।